ग्रेटर थनबर्ग टूल किट मामले की जांच कर रही स्पेशल सेल की टीम ने 22 साल की एक्टिविस्ट दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि दिशा रवि फ्राइडे फ्यूचर कैंपेन की फाउंडर में से एक है। दिशा रवि की गिरफ्तारी का मामला सियासी जंग का मामला भी बन गया है। इसी बीच मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने दिशा रवि को तो आड़े हाथों लिया ही, बल्कि प्रियंका गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी देशद्रोह को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। विज ने कहा कि जिसके भी दिमाग में देशद्रोह भरा हो उसका नाश कर देना चाहिए, चाहे वह दिशा रवि हो या कोई और। देशद्रोह का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो चाहे कोई और। मैं ये नहीं कहता कि सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करना अपराध है, प्रजातंत्र है, किसी भी मुद्दे पर कोई भी विरोध कर सकता है, लेकिन विरोध करने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ साठगांठ करना ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और अगर हम इस पर तुरंत रोक नहीं लगाएंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये एक छुआछूत की बीमारी होती है, ये फैलती जाती है और वो देश के लिए हितकारी नहीं होती है। इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और वो लोग जो ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं उनको भी राष्ट्र को पहचानना चाहिए, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो या केजरीवाल हो, कि ये देशद्रोह के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, इनका मकसद क्या है ये भी पहचानना चाहिए और ऐसे लोगों की भी भरपूर निंदा तिरस्कार देश में किया जाना। वहीं विज ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करने को लेकर कहा कि विरोध करने का सभी को अधिकार है, लेकिन विदेशी ताकतों का सहारा लेकर विरोध करना ये देशद्रोह है और अगर इस पर रोक ना लगाई गई तो ये छुआछूत की तरह फैलती जाएगी। पंजाब के सिटी टीवी चंडीगढ़ के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।